अस्सलामुअलैकुम आरएनएन न्यूज़ के साथ मैं हूं सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। गो यानी गनी उस्मान रियल इस्टेट बिल्डर्स एंड मार्केटिंग के जरिए तमाम नया नाजमाबाद ब्लॉक एम में बेंगलुरु की तामीरात के आगाज़ के मौके पर शानदार सेरेमनी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर नया नाजमाबाद के CEO अब्दुल समद हबीब, नया नाजमाबाद के डायरेक्टर MNC मोहम्मद सईद, प्रेजिडेंट जिम खाना नया नाजमाबाद मोहम्मद तलहा, नया नाजमाबाद के CEO के एडवाइजर मुजम्मिल बलवानी, गो रियल इस्टेट के रूह रवा गनी उस्मान और हेड ऑफ ऑपरेशन जैद खालिद समेत दीगर मेहमानों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सबसे पहले तो आपने देखा कि ये प्रोजेक्ट 10-12 साल से चल रहा है और माशाल्लाह 3-4 साल से हमने एम ब्लॉक की नया नाजमाबाद ने बुकिंग की थी और लोगों को खदशा था कि एम ब्लॉक में पोजीशन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, तो आज इसका एक जीता जागता प्रूफ हो गया कि एम ब्लॉक में गनी उस्मान रियल इस्टेट ने बंगलों की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है। तो और जिनके दूसरे लोगों के भी जिनके भी प्लॉट हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी जल्दी से जल्दी अपना कंस्ट्रक्शन का काम करें और देखें ना मार्केट माशाल्लाह नया नाजमाबाद एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है और नया नाजमाबाद तो समझ लो कि अब 10 साल हो गए, 10-20 साल और चलेंगे और आने वाले 5-10 साल में यहाँ मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 1.5 से 2 लाख लोग आबाद होंगे। अभी नया नाजमाबाद में जो डेवलपमेंट हुई है अभी 30% नहीं हुई है, आप जो देख रहे हो 30% डेवलपमेंट नहीं है। आगे जाके नया नाजमाबाद में अभी आपने देखा कि नया नाजमाबाद की कंपनी ने 1500-2000 फ्लैट बनाए, अभी एक बहुत बड़ी सुपर मार्केट बनेगी, माशाल्लाह यहाँ क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ नया नाजमाबाद जिम खाना बनाया है। आपने अगर अभी मौका मिले तो हम सब आपको नया नाजमाबाद जिम खाना के भी विजिट कराते हैं तो आपको पता चलेगा कि नया नाजमाबाद की मैनेजमेंट क्या कर रही है और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला मुझे कोटाबाज DPO बहावल नगर नसीबुल्ला खान के म्यूनसिपल कमेटी हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO बहावल नगर नसीबुल्ला खान ने तहसील भर से ISIL की शिकायत सुनी और फौरी अहकाम जारी किए। कोटाबाज DPO बहावल नगर नसीबुल्ला खान के म्यूनसिपल कमेटी हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO बहावल नगर नसीबुल्ला खान ने तहसील भर से ISIL की शिकायत सुनी और फौरी अहकाम जारी किए कि DPO बहावल नगर नसीबुल्ला खान ने कहा कि लोगों के मसाइल हल करना और उनकी हिफाजत यकीनी बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और उनके बेटे मुनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में पेशरफ्त हुई है। विफाक की तहकीकाती एजेंसी ज़राए के मुताबिक परवेज़ इलाही और मुनस इलाही के तमाम बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए। ज़राए का कहना है कि मुनस इलाही और परवेज़ इलाही की फैमिली मेम्बरान के बैंक अकाउंट भी फ्रीज किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक FIA लाहौर ने मुनस और फैमिली के 100 से ज़ायद अकाउंट्स मंजूर किए हैं। इन बैंक अकाउंट्स में मुबैना करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जमा कराया गया। ज़राए का बताना है कि FIA ने मुनस को अदालत से इश्तियारी करार और उनके रेड वारंट जारी कराने का भी फैसला किया है। ज़राए FIA का कहना है कि मुनस इलाही का रेड वारंट जारी कराकर इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी जानब लाहौर के एहतसाबी अदालत ने तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए की मुबैना किकबैक्स वसूली के मामले पर मुनस इलाही को इश्तियारी करार दे दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केसेस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की जानिब से चेयरमैन PTI की वारंट गिरफ्तारी की तामील के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट को वारंट तामील के लिए कानून के मुताबिक इकदाम करने का हुक्म दे दिया। ख्याल रहे कि इमरान खान साइफर केस में गिरफ्तार हैं और उन्हें सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अडियाला जेल में रखा गया है। सेक्रेटरीट अदालत ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 14 नवंबर को मुकर्रर कर रखी है। कराची सिंध भर के स्कूलों में नया तालीमी साल 15 अप्रैल से शुरू होगा जब मौसम सरमा और गर्मा की तातीलात का पुराना शेड्यूल बरकरार रहेगा। तर्जुमान महकमा तालीम के मुताबिक निगरान वजीर तालीम राना हुसैन के जेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी के ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ जिसमें सूबे भर के स्कूलों में नया तालीमी साल 15 अप्रैल और कॉलेजों में नया तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू करने का फैसला किया गया है। तर्जुमान ने बताया है कि मौसम सरमा और गर्मा की तातीलात का पुराना शेड्यूल बरकरार रहेगा और मैट्रिक के इम्तहान में मई के पहले हफ्ते जबकि इंटरमीडिएट के इम्तहान मई के आखिरी हफ्ते से शुरू होंगे। तर्जुमान के मुताबिक मैट्रिक के नतज 31 जुलाई और इंटर के नतज अगस्त के दूसरे हफ्ते तक आएंगे जबकि मौसम गर्मा की तातीलात में असाज़ा के लिए 15 रोज का तरबियती सेशन किया जाएगा।
पी 193 नून लीग का बुशरा बीबी के दामाद की जगह फारूक मानिका को टिकट देने पर गौर। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली के हलका पी 193 पाक पतन से साबिक खातून अव्वल और साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के दामाद मियां हयात मानिका की जगह फारूक मानिका को टिकट देने पर गौर शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक मियां हयात मानिका साबिक वजीर अता मानिका के बेटे और बुशरा बीबी के दामाद हैं। मियां हयात मानिका ने 2018 में लीग के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया था, जबकि फारूक मानिका नून लीग का टिकट ना मिलने पर इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए थे। ज़राए का कहना है कि फारूक मानिका की पार्टी से नाराज़गी ख़त्म हो गई है और साबिक वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह के साथ पुलिस कॉन्फ्रेंस में आए। साबिक वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद का कहना है कि मैंने हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया, लेकिन मुझे नजर लग गई है। रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत करते हुए शेख रशीद का कहना था, किले के दौरान मेरे खिलाफ ऐसे शहरों में मुकदमात दर्ज हुए जहां मैं कभी गया ही नहीं। चिले के असरात अभी बाकी हैं, खत्म नहीं हुए। एक सवाल के जवाब में शेख रशीद का कहना था कि मुखालफिन सियासी मुहिम चलाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हारता वो है जो हार मानता है। मुझे अल्लाह से मदद की उम्मीद है। उनका कहना था कि लोग कहते हैं कि आप सियासत नहीं करते, लेकिन जिस दिन इलेक्शन शेड्यूल आएगा उस दिन हम ही सियासत करेंगे। अभी किसी को समझ नहीं आ रही कि मुल्की सियासत किस तरफ जा रही है, फैसला अवाम ने करना है। अवाम सियासतदानों से ज्यादा समझदार है। शेख रशीद ने कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आए और 22 अक्टूबर को मैं वापस आया। मैंने हमेशा गेट नंबर 4 का साथ दिया, लेकिन मुझे नजर लग गई है। नवाज शरीफ को कब नजर लगती है इसका मैं इंतजार करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की साबका अहलिया रेहम खान ने अपनी तीसरी शादी की नाकामी की अफवाहों के मुकम्मल तौर पर तर्दीद कर दी। रेहम खान ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली जाली खबरों के बाद एक्स पर एक वीडियो पैगाम शेयर किया, जिसमें उनके हमराह शोहर मिर्जा बिलाल भी मौजूद थे। रेहम खान ने कहा कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ट्वीट वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि रेहम और उनके शोहर बिलाल के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इन खबरों की वजह से मेरे दोस्तों ने मुझे फ़ोन कॉल्स भी की। मुझे मालूम हुआ कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में ऐसी जाली खबरें कौन फैला रहा है, हालाँकि मैं उन्हें ज़्यादा अहमियत देने की ज़हमत भी नहीं करती। रेहम खान ने नाज़रीन और जाली खबरों फैलाने वालों को कहा कि चाहे मैं 12 बार शादी करूँ या 12 बार तलाक दूँ, आपसे मतलब, अपने काम से काम रखिए। अगर इतनी तवज्जो आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी पर देते या करियर, बच्चों और बहन की शादी पर देते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा है कि बाबर आजम को भी दौरा ऑस्ट्रेलिया पर टीम की क़यादत करनी चाहिए। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए शाहिद अफरीदी का कहना था कि हमारे पास फैसला करने का वक्त है, मुझे इस टीम से काफ़ी उम्मीद थी। वर्ल्ड कप के बाद इस तरह का माहौल होता है। शाहिद अफरीदी का कहना था कि आपको क्रॉस रूट पर क्रिकेट पर काम करने की ज़रूरत है। बाबर आजम को भी ऑस्ट्रेलिया के टूर पर क़यादत करनी चाहिए। बड़े इवेंट में आपको दबाव लेना होता है, आप इतनी गलतियाँ करेंगे तो फिर आप नहीं जीत सकते। साबिक कप्तान और विकेट कीपर राशिद लतीफ का कहना था कि हमने काफी वक्त T20 क्रिकेट पर तवज्जो दी है, हमने टेस्ट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट कम खेली। राशिद लतीफ का कहना था कि वर्ल्ड कप में हमारे फास्ट बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, स्पिनर्स अगर अच्छे होते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। सिर्फ खिलाड़ियों से नहीं बल्कि खिलाने वालों से भी सवाल होना चाहिए। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नाकिस कारकर्दगी का पोस्टमार्टम इस हफ्ते किया जाएगा। इस बारे में ज़राए का बताना है कि PCB हेड क्वार्टर्स में इस हफ्ते का अहम मुशावरत का आगाज़ होगा, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जका अशरफ साबिक कप्तान और साबिक क्रिकेटर्स से मुलाकातें करेंगे। वर्ल्ड कप के दौरान भी चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी साबिक क्रिकेटर्स से मुलाकातें कर चुके हैं, मगर ज़राए का बताना है कि मुलाकात और मुशावरत में अब तेज़ी आने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि टेक्निकल कमेटी के सरबराह मिसबाह हक से फीडबैक लिया जाएगा और उमर गुल, अजहर अली, सईद अजमल, मुश्ताक अहमद, आकिब जावेद, मोहसिन हसन खान से मुशावरत होगी, जबकि साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ से एक बार फिर बोर्ड रब्ता करने का ख्वाहिशमंद है, जबकि रेड बॉल और वाइट के लिए अलग अलग कप्तान भी मुशावरती एजेंडे में शामिल होंगे। ख्याल रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया से कबल कोचिंग के लिए साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जस्टन लैंगर का नाम भी सामने आ रहा है। ताहम ज़राए का बताना है कि क्रिकेट बोर्ड के कुछ आला ओहदेदार ऑस्ट्रेलिया का दौरा सर पर होने की वजह से तब्दीलियां ना करने का मशवरा देने लगे हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की, न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN।